नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को कोई फ्रेशर अकाउंटेंट या नए अकाउंटेंट लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आज की इस वीडियो को एंड तक आप कंप्लीट देख लेते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज की इस वीडियो से। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक यही रहेगा कि हम वाउचर को देख के, वाउचर की पहचान करके और उस वाउचर की एंट्री को हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से पास करेंगे, कितने लेज़र हमें वाउचर को देख के क्रिएट करने होते हैं, कौन कौन से परसेंटेज वाइज हमें लेज़र क्रिएट करने होते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कन्फ्यूज़न ये रहता है भी वो या तो बहुत जल्दबाजी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर के अंदर एंट्री गलत पास कर देते हैं, या फिर वो वाउचर का मोड ही चेंज कर देते हैं, या फिर वो कंपनी भी नहीं देखते कंपनी हमारी किस टाइप की कंपनी है और इस ये जो हमारी जो वाउचर है ये हमारी कंपनी का एक्चुअल में है या नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग गलती कर देते हैं और काफ़ी सारे लोग इसके अंदर कन्फ्यूज़न भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो इस वीडियो में हम वाउचर की एंट्री को पास करना तो सीखेंगे और साथ में जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कंपनी में और उस कंपनी के अंदर जो टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या जो वाउचर को देख के एंट्री पास करने से लेकर जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, आज की इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो से ही आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप आज की इस वीडियो का स्किप भी बिल्कुल भी मत करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं एज ए इंटरव्यू के रूप के अंदर। मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई आपने किया और आपके सामने ये वाउचर आपके सामने रख दिया भी, आप हमें इस वाउचर की एंट्री को टैली सॉफ्टवेयर में करके दिखाओ भी, आप किस तरीके से करोगे, यानी कि सब कुछ आपको ही करना है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो फ्रेशर या और कॉन्फिडेंस के अंदर जो अकाउंटेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फटाफट वाउचर को देखा और देख लिया भी ये वाउचर है बालाजी इंटरप्राइजेस से परचेज किया हुआ है, और देखते भी नहीं है और फटाफट वाउचर में जाके और इसकी परचेज वाउचर में एंट्री पास कर देते हैं, या फिर कुछ जल्दबाजी के अंदर इसकी सेल की एंट्री पास कर देंगे। लेकिन अब इंटरव्यूअर ने क्या पूछा, ये उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान देने का मतलब क्या हो गया भी, उन्होंने वाउचर को तो देख लिया भी, ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है और जिस वाउचर के ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा होता है भी वो आपका या तो परचेज का इनवॉइस है या फिर आपका सेल का इनवॉइस है, तो यानी कि इसके अलावा और कोई वाउचर हो नहीं सकता, या तो परचेज है या सेल है, एक बात तो यहाँ पर तय होगी। लेकिन उन्होंने इंटरव्यूअर ने आपके सामने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करके दे दिया और आपको केवल एंट्री पास करने के लिए ही बोला, तो जल्दबाजी के अंदर किसी ने परचेज में एंट्री पास कर दी तो किसी ने सेल के अंदर एंट्री पास कर दी। लेकिन उन्होंने एक्चुअल में ये बात उन्होंने नहीं देखी भी, ये जो वाउचर है इसके अंदर परचेजर कौन है और सेलर कौन है। भी अगर हम एज ए बात करें भी बालाजी इंटरप्राइजेज की तरफ से, तो ये बालाजी इंटरप्राइजेज का सेल का इनवॉइस है और किसको बेचा हुआ है, बिल टू के अंदर या कस्टमर के नेम के अंदर यहाँ पे जो आ रहा है एबीसी ट्रेडर्स, यानी कि एबीसी ट्रेडर्स को श्री बालाजी इंटरप्राइजेज ने ये जो प्रोडक्ट है सेल किए हैं। अगर हम बात करें एबीसी ट्रेडर्स की तरफ से भी, अगर एबीसी ट्रेडर्स की तरफ से अगर इस वाउचर का मतलब क्या बनता है भी, श्री बालाजी इंटरप्राइजेज से ये प्रोडक्ट परचेज किए, यानी कि बालाजी इंटरप्राइजेज ने तो एबीसी ट्रेडर्स को सेल किया है और एबीसी ट्रेडर्स ने बालाजी इंटरप्राइजेज को बालाजी से परचेज किया है, तो एक बात तो यहाँ पर तय होगी। लेकिन जल्दबाजी के अंदर फटाफट परचेज या सेल वाउचर में एंट्री पास कर दी। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती उन्होंने कर दी, उनकी यह लापरवाही हम कह सकते हैं, उन्होंने ये नहीं देखा भी जिस कंपनी के अंदर हमारे से जो वाउचर की एंट्री पास करवाई जा रही है, एक्चुअल में वो कंपनी कौन सी ओपन है। कंपनी ओपन का मतलब क्या हो गया, जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया तो जो प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारी कंपनी ओपन होती है उस कंपनी का नाम हमें यहाँ दिखता है, नेम ऑफ कंपनी के अंदर। अब नेम ऑफ कंपनी के अंदर हमें यहाँ क्या दिख रहा है, MS Enterprises, जबकि वाउचर हमें कौन सा दिया गया है, बालाजी इंटरप्राइजेज और एबीसी ट्रेडर से रिलेटेड ही है। अब इसके अंदर MS Enterprises का कोई रोल ही नहीं है, तो जल्दबाजी के अंदर आपने एंट्री पास कर दी तो आप यहीं भी रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ ध्यान से देख के आपको ये सारी एंट्रियाँ जो पास करनी होती है, या आपको इंटरव्यूअर ये बात बोल दे भी आपको इस वाउचर को देख के कंपनी वगैरह सब कुछ आपको ही क्रिएट करनी है, आपको ही लेज़र बनानी है, आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है, सब कुछ आपको ही करना है, तब आप क्या करोगे। तो अब इसके अंदर आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं,
पहला क्वेश्चन भी आप इंटरव्यूअर से एक क्वेश्चन आप ये करोगे भी सर आप हमें ये बताइए भी हमारी कंपनी है वो श्री बालाजी इंटरप्राइजेज है या एबीसी ट्रेडर्स है। तो अगर इंटरव्यूअर ने बोल दिया हम दोनों ही हैं, यानी कि हम श्री बालाजी इंटरप्राइजेज भी बन सकते हैं और हम एबीसी ट्रेडर्स भी बन सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है यहाँ पर भी ये श्री बालाजी इंटरप्राइजेज ने एबीसी ट्रेडर्स को गुड्स है जो सेल किया है। तो अगर आपको ये दोनों बातें बोल दे भी हम दोनों ही हैं, तो दोनों की कंडीशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा भी आपके टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये दोनों कंपनियां क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले कंपनी कौन सी क्रिएट करनी पड़ेगी, श्री बालाजी इंटरप्राइजेज, और उस श्री बालाजी इंटरप्राइजेज में जाके हम एबीसी ट्रेडर्स को प्रोडक्ट है जो सेल करेंगे, जो कि हम आपके सामने अब करके भी बताएंगे भी किस तरीके से हमें करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कंपनी पे जाके कंपनी को क्रिएट करना होता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी की, तो बालाजी ट्रेडर्स के नाम से कंपनी को हम यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिकल तरीके से टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये वीडियो मैं ऑलरेडी जिस चैनल पर अपलोड मैं कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ बेसिक्स पॉइंट आपको बताए हुए भी कंपनी क्रिएट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। लेकिन आप इस मतलब टॉपिक पर हम चर्चा नहीं करेंगे भी क्या क्या बातें ध्यान में रखना है। आज के इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं हमें कंपनी क्रिएट करके और वाउचर की एंट्री किस तरीके से पास करनी होती है। उसके बाद में जो एड्रेस है वो एड्रेस हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। आपको तो यहाँ से क्या करना होगा भी आपको तो यहाँ से मैन्युअली टाइप ही करना होगा, लेकिन हम टाइम बचाने के चक्कर में इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर देंगे। वैसे आपको वाउचर अगर आपके पास पेपर वर्क है तो आपको यहाँ पर ये सब कुछ टाइप करना पड़ेगा। स्टेट आपका राजस्थान है, स्टेट भी आपको यहाँ से देख लेना है। अब मान लीजिए स्टेट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो आप उस कंपनी के जीएसटी नंबर से भी पहचान कर सकते हो। तो अगर आपकी कंपनी का जो जीएसटी नंबर है स्टार्टिंग उसका 08 से स्टार्ट हो रहा है तो वो राजस्थान की ही कंपनी है। उसके बाद में आप वाउचर को देख के सारा कंपनी का मोबाइल नंबर सब कुछ आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। तो हम इन सब को एक बार स्किप करेंगे और उसके बाद आपको विशेषकर ये फाइनेंशियल ईयर देख लेना है भी फाइनेंशियल ईयर में आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, और ये डिपेंड करेगा आपके इस वाउचर की डेट पे। तो वाउचर की डेट आप देख सकते हो 25 अप्रैल 2022 की है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर अब आपका 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुका है। तो कई बार क्या होता है वाउचर डेट हमारा पुराना होता है और फाइनेंशियल ईयर हमारा जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये भी आपको विशेष ध्यान में रखना है, एक्सेप्ट करके हमने पास कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर दी। अब उसके बाद में क्या होगा, अगर हमने अभी देखा था अभी बालाजी इंटरप्राइजेज है तो बालाजी इंटरप्राइजेज ने एबीसी ट्रेडर्स को सेल किया है, तो अब एबीसी ट्रेडर्स क्या करेगा एक लेजर और क्रिएट करेगा कंपनी क्रिएट करने के बाद में, और उसके बाद में सबसे पहले एबीसी ट्रेडर्स का। अब ये श्री बालाजी इंटरप्राइजेस की तरफ से एबीसी ट्रेडर्स क्या बन जाएगा, इसका कस्टमर है और कस्टमर रहता है हमारा सेंट्री डेटर्स के अंडर में। उसके बाद में सब कुछ हम एड्रेस वगैरह वहाँ से इसको देख के कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपको ये चीज़ देखनी भी आपका रजिस्ट्रेशन टाइप है जो रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन डीलर है, क्या चीज़ है, तो वो भी आप इस इनवॉइस को देख के यहाँ से सर्च करते हैं। जैसा कि उसके पास पार्टी है और इसके पास जीएसटी नंबर भी है। अब ये जीएसटी नंबर कंपोजिशन का है कि रेगुलर है, आप इसको जीएसटी नंबर पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो आप इसको एज ए रेगुलर मानते हो, इसको डाल के एंट्री हम इसकी पास कर देंगे। तो ये काम था हमारा कंपनी क्रिएट करने के बाद में कस्टमर का लेजर क्रिएट करना, और उसके बाद में हमें लेजर कुछ और भी क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि हमारे टैक्स के हैं, जैसा कि सीजीएसटी टैक्स है और ये हमारा रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ड्यूटीज एंड टैक्स में हमारा जीएसटी और सेंटर का टैक्स है। देन इसी तरीके से हमारा एसजीएसटी टैक्स रहेगा और एसजीएसटी टैक्स भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी, और देन उसके हमारा टाइप टैक्स के अंदर एस्टेट टैक्स रहेगा। तो ये थे हमारे तीन लेजर क्रिएट करना, और उसके बाद हमारा काम रहेगा स्टॉक आइटम को क्रिएट करना, जैसा कि आइटम ए और आइटम बी दो आइटम हमारे पास में, और आइटम को क्रिएट करने के लिए हम वापस क्रिएट पर जाएंगे, देन हम स्टॉक आइटम पर हम जाएंगे, और उसके बाद में आइटम यहाँ पे क्रिएट हम कर देंगे आइटम ए, और उसके बाद में पीसीएस के अंदर हमारे पास आया हुआ है तो हम इसको पीसीएस में रखेंगे, और उसके बाद में सारी इसकी जीएसटी डिटेल वगैरह रखते हुए हम इसको एचएसएन कोड हम इस वाउचर में देख लेंगे 1234 का है, टैक्सेबल प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट है कितने परसेंट का, जैसे यहाँ देख सकते हो 6 और 6 यानी कि 12% का ये प्रोडक्ट है। और इसी तरीके से एक आइटम बी का, और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर आइटम बी। अब वैसे आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो स्टॉक आइटम का,
और ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो जीएसटी 99% यानी कि 18% का है और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये स्टॉक आइटम भी हमने क्रिएट कर लिया। अब इसकी वाउचर की एंट्री फॉर्म किस तरीके से पास करने, वाउचर पे जाएंगे। अब एम श्री बालाजी के लिए इंटरप्राइजेज के लिए सेल है तो हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वाउचर का नंबर है सबसे पहले आपको ये देखना भी इनवॉइस का नंबर यहाँ पर क्या लिखा है 1/2022-23 का, तो और आपके पास आ रहा है एक नंबर, तो सबसे पहले आपको इसको यहाँ से मैन्युअली करना पड़ेगा। तो एल्टर पे हम जाएंगे, वाउचर टाइप पर जाएंगे और सेल पर जाएंगे और उसके बाद में जो आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग का, इसको हम कर देंगे मैनुअल और इसको प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को भी कर देंगे यस और कंट्रोल ए के साथ इस विंडो को कर देंगे एक्सेप्ट। अब इससे क्या होगा, जो वाउचर नंबर है वो हम यहाँ से लिख सकते हैं और 2022-23 और इसके बाद में इनवॉइस की जो डेट है 25 अप्रैल, तो F2 से हम 25 अप्रैल 2022 की यहाँ पर डेट डाल देंगे और कस्ट पार्टी का अकाउंट नेम ABC ट्रेडर्स हमने क्रिएट ऑलरेडी कर लिया है और उसके बाद में आइटम ए जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ली, क्वांटिटी हम 5 पीस डालेंगे और ए का जो टैक्सेबल रेट है वो 100 रुपीज़ है और उसके बाद अब हमें यहाँ पर सेल का ट्रेडिंग लेजर है जो वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। एल्ट सी के साथ शॉर्टकट हम क्रिएट कर लेंगे जो सेल का रहेगा जीएसटी 12% सेल, क्योंकि जीएसटी 12% सेल का प्रोडक्ट है और इसको अंडर में रखेंगे हम सेल काउंट के और सेल काउंट में रखने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई है इसको हम कर देंगे गुड्स और TCS को कर देंगे नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पर हमें सेल टैक्सेबल देना पड़ेगा और उसी तरीके से आइटम बी क्वांटिटीज की है 10 पीस और रेट है इसका 150 रुपये। अब हमें यहाँ पर, अब ये जीएसटी 18% की सेल है तो अब यहाँ पर हम जीएसटी 18% सेल का ट्रेडिंग लेजर भी क्रिएट करेंगे। सेल काउंट में जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी डिटेल को आप नो रख सकते हो और टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स करना है और TCS को एक बार हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और यहाँ पर हम सेल टैक्सेबल। तो ये हमारा था जो हमारी स्टॉक आइटम, जिस स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुकी है, अब इंटरप्रेस करके हम नीचे आ जाएंगे और अब यहाँ पर हम टैक्स लगाएंगे, CGST टैक्स और SGST टैक्स को हमने सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा टैक्स लग जाएगा। अब ये टोटल वैल्यू जो है वो 2330 रुपये की बन चुकी है और वाउचर को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इसकी जो फाइनल अमाउंट है वो 2330 रुपये है तो टैक्सेबल वैल्यू इसकी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो भी 2000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू है और 165 रुपये CGST टैक्स और 165 रुपये SGST टैक्स है और सेम प्रोसेस हमारे पास यहाँ पर भी टैली सॉफ्टवेयर ने ही कैलकुलेट किए हैं और इंटरप्रेस करते हुए इस वाउचर को हम कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये तो था हमारा श्री बालाजी इंटरप्राइजेज की तरफ से सेल वाउचर की एंट्री। अगर ये अगर हमें पूछा जाए दोनों कंपनी के लिए बोला था तो दोनों कंपनी के लिए अब हमें सेम प्रोसेस ABC ट्रेडर्स की भी कंपनी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी और जब हमारी ABC कंपनी की जब क्रिएट हो जाएगी तो उस वक्त क्या रहेगा, ये जो सेम प्रोसेस है ये हमारा परचेज वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब परचेज वाउचर के अंदर हमें भी वो जो वाउचर नंबर है इसका वो मैनुअली हमें ऊपर देना पड़ेगा तो इसके लिए परचेज वाउचर में भी हम जाके इसको वाउचर टाइप जो हमारा ऑटोमेटिक आता है इसको हम मैनुअल कर देंगे, ऑटोमेटिक मैनुअल और प्रीवियम डुप्लीकेट को यस कर देंगे। तो उसके बाद वाउचर पे जाएंगे और वाउचर पे जाने के अब ये जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ वो अभी मैं ABC ट्रेडर्स की तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि अब ABC ट्रेडर्स के लिए तो प्रोसेस है ये, तो सेम वही प्रोसेस 2022-23 कंपनी क्रिएट करने के बाद में 25 अप्रैल डेट और यहाँ पर अब नाम जो आ जाएगा वो आ जाएगा उस सेलर का यानी कि श्री बालाजी इंटरप्राइजेज का। तो हम एक बार श्री इंटरप्राइजेस का लेजर हमने क्रिएट कर दिया तो अब ये ABC ट्रेडर्स के लिए क्या बन जाएगा, सेंडरी क्रेडिटर बन जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम एक्सेप्ट कर देंगे और इसी तरीके से वापस हम आइटम ए क्वांटिटी जो हमने परचेज किया है टैक्सेबल रेट उसका क्या है, अब हमें यहाँ पर परचेज के लेजर है जो क्रिएट करने पड़ेंगे। वी परचेज GST 12% का, जैसा कि सेल का बना था तो उसका अपोजिट हमारा परचेज का भी बनेगा 12%। तो ये अंडर में रहेगा परचेज काउंट के, तो एप्लीकेबल टाइप ऑफ गुड्स करेंगे, TTS को हम एक बार नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो अब यहाँ पर आ जाएगा परचेज टैक्सेबल। इसी तरीके से आइटम बी और क्वांटिटी 10 पीस थी और एक का रेट 150 रुपये और अब हमारा यहाँ पर GST 12% की बजाय 18% का भी एक लेजर है जो क्रिएट होगा। एप्लीकेबल टाइप ऑफ गुड्स को गुड्स करेंगे,
क्योंकि अब ये जो मैं स्पीडली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो परचेज वाउचर की एंट्री करना, सेल वाउचर की एंट्री करना, प्रैक्टिकल तरीके से सब कुछ मैंने इस चैनल पर अपलोड वीडियो किए हुए हैं, प्रैक्टिकल तरीके से अच्छी तरीके से समझाया हुआ है वाउचर को देखते कि किस तरीके से एंट्री पास करनी है। तो आप हमारी इस चैनल के टेलीप्राइम की आप प्ले लिस्ट ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको टोटल वीडियो टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आपका जो वाउचर एंट्री से लेके वाउचर की पहचान से संबंधित लेके जो कन्फ्यूजन है ना, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से CGST टैक्स और ये SG टैक्स। तो अब ये तरीके से आपका ABC ट्रेडर्स की तरफ से परचेज वाउचर की एंट्री है जो क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, भी इस वाउचर को नहीं देखते, जल्दबाजी के अंदर वो परचेज, उनको पता होता है टैक्स इनवॉइस सेल वाउचर होता है, तो वो जल्दी या तो सेल में कर देंगे या परचेज में कर देंगे, सब कुछ लेजर कर देंगे, क्रिएट कर लेंगे, स्टॉक आइटम को भी क्रिएट कर लेंगे, बट एंट्री पास करते वक्त वो ये ध्यान नहीं देते भी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे सामने जो कंपनी की ओपन है वो कंपनी कौन सी है, ये जो कंपनी है वो हमारे इन वाउचर से रिलेटेड है भी नहीं है, कंपनी अलग खुली हुई है, वाउचर आपके सामने कोई भी है तो इसका मतलब आप ये तो कंपनी गलत खोल रखी है या फिर आपने कोई वाउचर है जो वो आपके सामने गलत आया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।